أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله بھی آپ کے سامنے سورہ انعام آیت نمبر 143 سے آیت نمبر 145 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی. سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ ہم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیں گے. امید کرتا ہوں میری آواز آپ سب کو صاف سنائی دے رہی ہوگی. ثمانیت ازواج، ثمانیہ کا معنی ہوتا ہے آٹھ، ازواج زوج کی جمع ہے. قسموں کو کہیں گے، یہاں پہ قسموں کے معنی میں ہوگا، ناؤں کے معنی میں یا جوڑے، ٹھیک ہے؟ یعنی سات آٹھ قسم کے جانور ہے. من الضأن اثنین، ضأن بیڑ کو بولتے ہیں، بیڑ میں سے اثنین دو قسمیں ہیں. ومن المعز، معز بکری کو کہتے ہیں، اور بکری میں سے اثنین دو ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی بیڑ میں سے بھی دو قسمیں ہیں اور بکری میں سے بھی دو قسمیں ہیں. قل آپ کہہ دیجئے، آذکرین حرم ام الانثیین، کیا دونوں نر، ذکرین ذکر سے ہے، یعنی کیا دو نروں کو حرام کیا ہے، حرم حرام کیا ہے، ام الانثیین، ام کا معنی یا، انثیین دونوں مادہ، انثیین انسا سے ہے، یعنی دونوں مادہ حرام ہے. ام مشتملت، یا وہ جو، ام یا مشتملت، وہ جو اشتملت شامل ہے، علیہ اس پر، ارحام الانثیین، ارحام و رحم کی جمع ہے، بہت سے رحم الانثیین مادہ جانوروں کی، یعنی جن پر مادہ جانوروں کی رحم مشتمل ہے. نبئونی، آپ مجھے بتائیں، بعلم، کسی علم سے، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتا رہے ہیں کہ آٹھ قسم کے جانور ہے، دو بیڑ میں سے اور دو بکری میں سے،
आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला ने इन दोनों के नर हराम किए हैं या मादा, या जिन पर मादा जानवरों के रहम मुश्तमिल है, तो मुझे इलम की रोशनी में बताओ अगर तुम सच्चे हो। वमिनल इबिल इस्नैन, और ऊंटों में से दो है, वमिनल बकरी और गाय में से इस्नैन दो है। कुल आप कह दीजिए अज़्ज़करैन हर्रमामिल उन्सैन, कि क्या दोनों नर हराम किए उसने या दोनों मादा। अम्मश्तमलत अलैहि अरहमुल उन्सैन, या वो जो शामिल है मादा जानवरों के रहम, या वो जिन पर मादा जानवरों के रहम मुश्तमिल है। अम कुंतुम, अम या कुंतुम थे शुहदा हाजिर रहने वाले, इफ जब वस्साकुमुल्लाहु, ताकीद की वसीयत की तुम्हें अल्लाहु अल्लाह ताला ने बिहादा इसकी, क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब अल्लाह ताला ने तुम्हें इस बात की ताकीद की, यानी ये जो बात तुम बता रहे हो उस वक्त तुम अल्लाह के पास मौजूद थे। फमन, तो कौन है अज़लम ज़्यादा बड़ा ज़ालिम, मिम्मन उससे जो इफ्तरा गड़े अल्लाह अल्लाह ताला पर कज़िबा झूठ, तो उससे बड़ा कौन ज़ालिम है जो अल्लाह पर झूठ गड़े। लियुज़िल्लन नास, ताकि गुमराह करे अन्नास लोगों को, ताकि वो गुमराह करे किसको, लोगों को। बगैर इल्म, बगैर इल्म के, इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, हिदायत नहीं देता उन लोगों को जो जुल्म करने वाले हैं। فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, तो उससे बड़ा कौन जालिम होगा जो अल्लाह ताला पे झूठ बांधे ताकि लोगों को बगैर इल्म के गुमराह करे, बेशक अल्लाह ताला जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। कुल आप कह दीजिए ला अजिदु, मैं नहीं पाता, फी मा उसमें जो ऊहिया इलैया वही भेजी गई मेरी तरफ, मुहर्रमन हराम किया गया, अला ताइमिन किसी खाने वाले पर, यतअमुहु खाता हो वो उसे, इल्ला मगर अन यकूना मैततन, ये कि वो हो मुर्दार, औ दमन या खून मसफूहा बहता हुआ, औ लहम खिंजीर या खिंजीर का गोश हो, फइन्नहु रिज्सुन तो बेशक वो नापाक है, औ फिस्कन या ज़बीहा जो है नाजायज़ है, उहिल्ला नाम लिया गया हो, बग़ैर इल्लाही अल्लाह ताला के अलावा का, भी उसके साथ। मतलब ऐ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप फरमा दीजिए कि मुझ पर जो वही भेजी गई है उसमें किसी खाने वाले पर कोई चीज़ खाना हलाम नहीं पाता सिवाय उसके कि वो मुर्दार हो या बहता हुआ खून हो या खंजीर का गोश हो, कि वो नापाक है और या नाजायज़ ज़बीहा है, इस पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया है। फमन, पस जो शख्स उज़्तुर्रा मजबूर हो जाए, गैर बागिन इस हालत में कि वो सरकशी करने वाला ना हो, वाला आदिन और हद से तजावुज़ करने वाला ना हो, फ़इन्ना रब्बका तो बेशक आपका रब जो है गफूर बहुत बख्शने वाला, रहीम नहायत मेहरबान है, आपका रब बहुत बख्शने वाला और नहायत मेहरबान है। ये बात समझ आ गई, तर्जुमा समझ में आ गया इन आयात का। तो गुज़श्ता असबाक में शिर्क की मुख्तलिफ़ अकसाम की तर्दीद हुई कि बाज़ लोग अल्लाह के अलावा दूसरों की नज़र और नियाज भी निकालते थे, बाज़ ने ऐसी रसूमात बातिला ईजाद कर रखे थी जिनके रूह से वो बाज़ हलाल और तय्यब चीज़ों को
از خود اپنے اوپر حرام قرار دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی رد فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کے سلسلے میں پھلوں اور کھیتی کا تذکرہ فرمایا اور حکم دیا کہ ان کو استعمال کرو اور میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کھیتی اور پھل پک جائے تو اس میں سے اس کا حق ادا کرو، یعنی غربا اور مساکین کو بھی کچھ دے دیا کرو، اسراف نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کی بعض اقسام کا ذکر کیا، ان میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ زمین سے لگ کر چلتے ہیں، یعنی یا تو ان کی پشتیں ہر وقت زمین کے ساتھ لگی رہتی ہے یا وہ زمین کے قریب پست قد ہوتے ہیں، اس لیے ان کو فرشا کہا گیا. اور ایک توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی کھالوں کو فرش پر بچھایا جاتا ہے. تو بہرحال فرمایا کہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، یعنی غیر اللہ کی نیاز مت دو اور نہ انہیں معبودان باطلہ کے نام سے منسوب کرو. تو جن آٹھ مویشیوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، ان آیات میں ان کی تشریح بیان کی گئی ہے. ثمانیہ ازواج، یہ آٹھ جوڑے ہیں جن میں سے بعض جو ہے سامان اور بوجھ اٹھانے کا کام دیتے ہیں اور بعض زمین سے لگ کر چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم پہ خاص انعام ہے کہ انہیں صحیح طریقے پر استعمال کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نہ غیر اللہ کی نیاز دو اور نہ بیہودہ اور فضول رسمیں ادا کرو. گزشتہ سبق میں حمولتن اور فرشن کے دو الفاظ آئے تھے، یعنی بعض جانور سامان اور بوجھ اٹھانے کے کام آتے ہیں اور بعض پس قد ہے جو اگرچہ بوجھ اٹھانے کے کام تو نہیں آتے لیکن ان کا گوشت بہرحال انسان استعمال کرتا ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ آج کی آیت میں انہی جانوروں کی تفصیل ہے، جن دو قسم کے جانوروں کا ذکر ہوا ہے ان میں یہ آٹھ جانور شامل ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ لفظ آٹھ جوڑے کلو کا مفعول بھی ہو سکتا ہے. ماقبل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کلو مما رزقکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اسے کھاؤ. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس رزق کے کھانے کا حکم دیا وہ یہی آٹھ جانور ہے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ثمانیت ازواج سے پہلے انشأ واوجد کا فعل محذوف ماننا پڑے گا، اور پورا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے بنائے، ایجاد کیے ہیں آٹھ جوڑے. تو یہ سب ترکیبیں درست ہیں. اب ان کی تفصیل بیان کی. من الظأن اثنین، بیڑوں میں سے دو، نر بھی اور مادہ بھی. ومن الماعز اثنین، اور بکریوں میں سے دو، یعنی بکرا اور بکری دونوں حلال ہے. دونوں اقسام میں سے ہر نر اور مادہ کو حلال قرار دے کے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بعض باطل عقائد کا رد فرمایا. مشرکین بعض جانوروں کو بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، تفصیل ماقبل میں آ چکی ہے، اپنے اوپر انہیں حرام قرار دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی. مشرکین کا ایک اور باطل عقیدہ یہ بھی تھا کہ ان مادہ جانوروں کے پیٹ سے اگر زندہ بچہ پیدا ہوتا تو کہتے کہ یہ مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے، اور اگر مردہ بچہ پیدا ہوتا تو کہتے کہ یہ سب کے لیے حلال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام غلط عقائد کی تردید فرمائی اور واضح طور پہ بتلا دیا کہ بھیڑ اور بکری کا ہر نر اور مادہ بغیر تخصیص سب کے لیے حلال ہے، انہیں کسی خود ساختہ شریعت کے تحت حرام قرار نہیں دیا جا سکتا.
बाकबल ने बताया था कि जमाने जाहिलियत में लोगों ने बहुत से जानवरों को अपने ऊपर हराम करार दिया था, बाद जानवरों की सवारी को अपने ऊपर हराम करार दिया था। सबकी तफसीर जो है बाकबल के असबाक में आ चुकी है। अब काजी सनाउल्ला पानीपति रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी तफसीर है तफसीर मजहरी के नाम से, वो लिखते हैं कि मुशरिकीन में से एक शख्स मालिक इब्ने औफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने मुलाकात की और अर्ज किया कि मालूम हुआ कि आप हमारे बुजुर्गों की तरफ से मुरवजा गैरुल्लाह की नियाज की मुखालफत करते हैं, उसे हराम करार देते हैं, हालांकि ये तरीका हमारे आबाव अजदाद से चला आ रहा है। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से जवाबी सवाल किया, क्या कि तुम जानवरों को खुद अपने ऊपर हराम करार देते हो और कहते हो कि ये फलां की नजर है, तो बताओ कि ये हुरमत नर की वजह से है या मादे की वजह से? अगर नर होने की वजह से इन्हें हराम करार देते हो तो सारे के सारे नर हराम होने चाहिए, कि तुमने बास को हलाल और बास को हराम कैसे बना लिया? अगर मादा होने की वजह से है इनकी हुरमत, तो फिर सारे मादे जानवर जो है हराम होने चाहिए। और तीसरी सूरत है कि अगर तुमने यह हुरमत रहीम यानी बच्चेदानी की वजह से आयद की है तो फिर नर और मादा सब के सब हराम है। तो आखिर तुमने हिल्लत और हुरमत का कौन सा उसूल अपनाया है और इसके लिए तुम्हारे पास क्या दलील है? तो उस शख्स से कोई जवाब न बना पाया तो कहने लगा, हुजूर मेरे पास कोई जवाब नहीं है, अब आप बोले हम सुनते हैं। काजी से फरमाते हैं कि अल्लाह तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मालिक बिन औफ के साथ तकल्लुम को, गुफ्तगू को इन आयात की सूरत में नाजिल फरमा दिया। अब और हजरत शाह वलीउल्लाह मुहदीस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि दरअसल किसी चीज पर हिल्लत और हुरमत का हुक्म लगाना यह अल्लाह तआला का मनसब है, इस मामले में उसका कोई शरीक नहीं है। तहलील और तहरीम कायनात में ये अल्लाह ताला का काम है। फर्ज वाजिब सुन्नत और मुस्तहब वगैरह ये तमाम उमूर का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। जब किसी आयत करीमा या हदीस नबवी में हिल्लत और हुरमत की निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि ये चीज कतई तौर पर हलाल या हराम है और इसका हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है और नबी ने उसको उम्मत तक पहुंचाया है। बाज मामलात में मुज्तहिदीन भी हिल्लत और हुरमत का हुक्म लगाते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी तरफ से किसी चीज को हलाल या हराम ठहरा रहे हैं, बल्कि वो तो सिर्फ इस अमर की वजाहत करते हैं कि कुरान मजीद की फुला आयत या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुला हदीस से हिल्लत और हुरमत का इजहार होता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी तरफ से कोई ऐसा हुक्म नहीं लगाया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से हलाल और हराम करदा अशिया की वजाहत करते हैं। अल्लाह ताला के अलावा अगर कोई शख्स दूसरा शख्स अपनी तरफ से हिल्लत और हुरमत का हुक्म लगाएगा तो वो मुशरिक बन जाएगा, क्योंकि उसने खुदाई इख्तियारात को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। तो मुशरिकीन को यह समझाना मकसूद है कि तुम्हारी तरफ से बाज चीजों को हलाल और बाज को हराम करार दे देना ये शिर्क है। यहूद और नसारा के अहबार और रोहबान अपनी तरफ से जो हिल्लत और हुरमत का फतवा देते थे उनका ये फेल अल्लाह ताला के मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ था और शिर्क था। हिल्लत और हुरमत का इख्तियार अल्लाह ताला के अलावा किसी को भी नहीं है। तो फरमाया कि भेड़ों और बकरियों की हिल्लत का कानून बताने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल ऐ पैगंबर आप इनसे पूछिए, आज ज़करैन हर्रम अम अन्थैन, कि अल्लाह ताला ने दोनों नर बकरा और चतरा हराम किए हैं या दोनों मादे बकरी और भेड़ जो है वो हराम किए हैं? अम मश्तमलत अलैहि अरहमुल अन्थैन, या जिस पर मादा का रहम मुश्तमिल है यानी पेट में नर या मादा जो कुछ भी है वो हराम है, इसकी वजाहत करो।
फरमाया नबीउनी बिइल्मिन, मुझे इलम के साथ बताओ, यानी कोई इलमी दलील पेश करो इनको तुम सादिकीन, अगर तुम हिल्लत और हुरमत के दावे में सच्चे हो। बताओ कि तुमने आज खुद बाज जानवरों को अपने ऊपर कैसे हराम करार दे लिया है। 8 में से 2 छोटे जानवरों यानी भेड़ बकरी के तस्करे के बाद अल्लाह ताला ने बाकी 2 बड़े जानवरों का भी जिक्र इसी तरह किया। अल्लाह ताला ने उन मवेशियों को भी तुम्हारे फायदे के लिए पैदा किया है और तुम्हारे लिए हलाल करार दिया है, और वो है वमिनल इबिल इस्नैन, ऊंटों में से भी 2 है यानी ऊंट और ऊंटनी, वमिनल बकर इस्नैन, और गाय भैंस में से भी 2 यानी बैल और गाय या भैंसा और भैंस। तो यहां पर बकरा गाय और भैंस दोनों पे महमूल किया गया है क्योंकि दोनों दरअसल एक ही नस्ल से है। फर्क सिर्फ यह है कि गाय हर किस्म की आबो हवा में परवरिश पा सकती है जबकि भैंस के लिए गर्म मरतूब आबो हवा की जरूरत होती है, इसीलिए भैंस सिर्फ मैदानी गर्म मरतूब इलाकों में पाई जाती है जबकि गाय की नस्ल दुनिया के हर खित्ते में मौजूद है। तो बहरहाल गाय और भैंस के लिए कुर्बानी में भी एक ही हुक्म है, दूध घी गोश्त और चमड़ा भी यकसा तौर पर काबिल इस्तेमाल है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ पैगंबर आप उनसे पूछिए आज जकरैन हर्रमा मिन उन्सैन, क्या अल्लाह ताला ने उस नस्ल यानी ऊंट और गाय भैंस के दोनों नर हराम किए हैं या दोनों मादा, अम्मश्तमलत अलैहि अरहमुल उन्सैन, या वो चीज़ जिस पर मादा का रहम मुश्तमिल है यानी मादा के पेट में जो भी नर या मादा है वो हराम है, आखिर तुम्हारे पास हिल्लत और हुरमत की क्या दलील है। अगर मादा के पेट से पैदा होने वाला हर बच्चा हराम है तो फिर ये तख़सीस क्यों करते हो कि अगर जिंदा पैदा हुआ तो मर्दों के लिए हलाल है और औरतों के लिए हराम होगा और मुर्दा पैदा हुआ तो सबके लिए हलाल होगा। क्या तुम्हारे पास हिल्लत और हुरमत की कोई अकली दलील मौजूद नहीं है, तो उसके लिए नकली दलील लाओ, और नकली दलील का माखज़ वही इलाही होता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते हासिल होता है, लेकिन नबुव्वत पे तो तुम्हारा ईमान ही नहीं है। जैसा कि माकबल में आपको बताया कि मुशरिकीन नबुवत का सिरे से इनकार करते थे, कहते थे कि अल्लाह ताला ने किसी इंसान को नबी नहीं बनाया। अब अगर ये दलील भी तुम्हारे पास मौजूद नहीं है तो किस तरह साबित करोगे कि हिल्लत और हुरमत का तुम्हारा कानून बरहक है। दलील के बगैर तो यही समझा जाएगा कि तुम्हारे हिल्लत और हुरमत के कानून की कोई हैसियत नहीं है, ये सिर्फ आबा व अजदाद की रसूमात पर मबनी है। अलबत्त एक तीसरी सूरत ये रह जाती है, अम कुंतुम शुहदा आइद वस्वाकुमुल्लाहु बियादा, क्या तुम खुद वहां मौजूद थे जब अल्लाह ताला ने हिल्लत और हुरमत का फैसला किया था। तो अब इस बात का दावा कौन कर सकता है कि उसकी मौजूदगी में अल्लाह ताला ने कोई हुक्म दिया था। तो मालूम हुआ कि तुम्हारे तमाम दावा बगैर दलील के हैं, इसलिए नाकाबिले कबूल है। फिर आगे अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के झूठ की एक दफा फिर तरदीद फरमाई, फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कदिबा, इससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह ताला पे झूठ बांधता है यानी उसकी तरफ गलत बात मंसूब करता है। अल्लाह ताला ने तो ऐसा कोई हुक्म जारी नहीं किया जिस पर ये मुशरिकीन अमल पैरा है। ऐसे रस्म और रिवाज को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करना ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। फिर इससे बढ़कर ये भी कि मुशरिकीन कहते हैं कि हमारे इन बहीरा साहिबा वसीला और हाम से अल्लाह ताला खुश होता है, आउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, के अल्लाह ताला पे शिर्किया अफ़ाल की खुशनुदी का इल्ज़ाम भी लगाते थे। तो ये सब तो अल्लाह ताला पे बहतान है, उसने तो कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया। तो अल्लाह ताला की अता किए हुए नेमतों को इस्तेमाल करो, उसका शुक्रिया भी अदा करो। फरमाया अल्लाह पे इस किस्म का बहतान लगाना इस वजह से है लियुदिल्ल अन्नास बिगैर इल्म, ताकि लोगों को बगैर इल्म के गुमराह किया जा सके। ना अकली दलील है ना नकली दलील है, तो फिर इसे गुमराही के अलावा क्या नाम देंगे। तो फरमाया इन्नल्लाह ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ताला बहतान तराजी करने वाले जालिमों को कभी भी हिदायत नसीब नहीं करता। अल्लाह ताला का कानून यह है कि हिदायत उस वक्त नसीब होगी जब जुल्म को तर्क करके हिदायत का तालिब होगा,
वरना अल्लाह ताला किसी को जबरदस्ती हिदायत नहीं देता। दूसरे मकाम पर आता है, इन अल्लाह ला यहदिल कौम अल काफिरीन, अल्लाह ताला कुफर करने वालों को हिदायत नहीं देता, ऐसे लोग कुफर की हालत में ही मरेंगे और हमेशा के लिए नामुराद होंगे। अल्लाह ताला का फैसला है, नुवल्ली मा तवल्ला, जिधर कोई जाना चाहता है हम उधर ही तौफीक दे देते हैं। किसी को ईमान कबूल करने पे मजबूर नहीं किया जाता, ईमान तो उसको नसीब होता है जिसमें उसके लिए तड़प मौजूद हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसका आखिर जहन्नुम है, वो बच नहीं सकता। फिर उसके बाद चार चीज़ों की हुरमत वो मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया और माकबल में भी मुख्तलिफ सूरतों में बयान किया गया। इन्नमा हर्रम अलैकुम अल्मैतत वद्दम वलहम अल-खिंज़ीर वमा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह, कि बेशक अल्लाह ताला ने तुम पे हराम करार दिया है मुर्दार, खून, खंजीर का गोश्त और वो चीज़ जिस पर अल्लाह के अलावा किसी दूसरे का नाम पुकारा गया हो। और फिर यही मजमून सूरह मायदा के पहले रुकू में भी बयान हुआ, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، تو یہاں پہ بھی پھر بیان ہوا، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جو چیز میری طرف وحی کی گئی ہے میں اس میں ان چیزوں کے علاوہ اور کسی چیز کو حرام نہیں پاتا، یعنی مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، कि ये नापाक है और गुनाह की ये बात है कि अल्लाह ताला के अलावा किसी दूसरे का नाम पुकारा गया हो। तो इस आयत करीमा में मुहर्रमात के जिमन में हसर का तासुर पाया जाता है, यानी सिर्फ अल्लाह ताला ने यही चार चीज़ें हराम की है, इनके अलावा और कोई हराम नहीं है, क्योंकि तर्ज बयान इस तरह का है कि इनके अलावा मैं किसी चीज़ को हराम नहीं पाता। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हसर का यही तासुर इश्काल का बाइस बन रहा है, क्योंकि सूरह मायदा में इन चारों की हुरमत के साथ साथ बाज़ दूसरी चीज़ों का भी जिक्र है, वलमुनखनिकतु वलमौकूदतु वलमुतरद्दियतु वन्नतीहतु वमा अकला सबउ इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिहा अला नुसुब वअन तस्तक़सिमु बिल अज़लाम, कि मज़कूरा चार चीज़ों के अलावा ये जानवर भी हराम है, जो जानवर गला घुटने से मर गया हो, जो छोट लगने से हलाक हो चुका हो, जो ऊंची जगह से गिर के हलाक हो गया हो, जिसको दूसरे जानवर ने सींग मार के हलाक किया हो, जिसको दरिंदों ने फाड़ काया हो, अलबत्त जिसे ज़िबह कर लिया गया हो वो हलाल है। इनके अलावा वो जानवर भी हराम है जो किसी इस्तेहान पे ज़िबह किया जाए और जुए के तीरों के साथ तकसीम करना भी हराम है। तो इस इश्काल के जवाब में मुफस्सिरीन ने कई तौजीहात पेश की है। शाह अब्दुल क़ादिर मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ एक जुमले में इस इश्काल को हल करने की कोशिश की है, यानी जिन जानवरों का खाना दस्तूर है, आमतौर पे जिनको खाया जाता है उनमें यही हराम है, मतलब ये कि आमतौर पर इंसानी खुराक बनने वाली चीज़ों में सिर्फ यही हराम अशिया है, इनके अलावा जो दरिंदे वगैरह है वो तो ऐसे ही लोग नहीं खाते, इसलिए उनका यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया। बाज़ जानवर कतई हराम नहीं है बल्कि कराहियत की फहरिस्त में आते हैं और बाज़ को फुकहाए किराम ने जायज़ भी करार दिया है, इसलिए हर मकरूह चीज़ का जिक्र नहीं किया गया क्योंकि वो कतई तौर पे हराम नहीं है। बाज़ जानवरों के मामले में फुकहाए किराम में कतई इख्तिलाफ़ भी पाया जाता है, जैसे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बिज्जू को जायज़ करार देते हैं और इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह उसे हराम कहते हैं। तो बहरहाल फरमाया कि आप ऐलान फरमा दें पैगंबर अलैहिस्सलाम कि खाने के मामले में तो इन चीज़ों के अलावा कोई चीज़ हराम नहीं पाता, इनमें पहली चीज़ मैता मुर्दार है। मुर्दार वो जानवर है जो हलाल हो लेकिन बगैर ज़िबह किए खुद ब खुद मर जाए, या अगर ज़िबा भी किया जाए शरीयत के खिलाफ तरीके से ज़िबा कर लिया जाए, ठीक है, मसलन गला घोंट दिया जाए या लकड़ी पत्थर वगैरह से मार के
मौत के घाट उतार दिया जाए या जानबूझ के जीवा की बात अल्लाह ताला का नाम ना लिया जाए या किसी जिंदा जानवर का कोई औज़व काट लिया जाए तो वो भी मुर्दार के जुमरे में दाखिल है। दूसरी चीज फरमाया था मसफूहा, बहता हुआ खून, जिबा करते हुए जानवर की रगों से जो खून बहता है वो कतई हराम है, और जिबा के बाद जो थोड़ा बहुत खून गोश्त के साथ रह जाता है वो नापाक नहीं है, इसलिए अगर कोई गोश्त को धोए बगैर भी पका कर खा लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन नजाफत का तकाजा ये है कि गोश्त को धोकर और साफ करके पकाया जाए। जाहिर है कि जानवर की रग काटने से यही मकसूद है तो उसका तमाम खून बह जाए जो कि हराम है। अलबत्त एक चीज की गुंजाइश है, जिस जानवर को शरी तरीके से ज़िबह करना मुमकिन ना हो, मसलन कोई परिंदा है या तेज भागने वाला जानवर है, तो उसे अल्लाह का नाम लेके जख्मी कर देना ये भी काफी है। उसका अलग से तरीका है जिसको ज़िबह इज़तिरारी कहते हैं। तीसरी चीज जो है वो लहम खिंजीर है, यानी खंजीर का गोश्त हराम है, नजिसुल आइन जानवर है। ये सब शरीयतों में खंजीर जो है ये हराम रहा है। इसकी तफसील माकबल में भी बता चुका हूं कि क्यों हराम है, क्या वजूहात है। चौथा नंबर उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही कहा, यानी वो चीज भी हराम है जिस पर अल्लाह के अलावा किसी दूसरे का नाम पुकारा गया हो। इसको अल्लाह ताला ने फिस्कन से ताबीर किया कि ये गुनाह की बात है, यानी अगर कोई चीज किसी बुत, जिन, फरिश्ते, नबी या बुजुर्ग के तकर्रुब या खुशनुदी के लिए बतौर नियाज दी जाए तो अगर उससे ये मकसूद हो कि फलां हंसी खुश हो के किसी मुसीबत से बचा लेगी या बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा तो ऐसी चीज बहरहाल हराम हो जाती है। अगर जानवर को ज़िबह करते वक्त बिस्मिल्लाह भी पढ़ ली जाए तब भी जानवर हराम ही रहेगा क्योंकि वो गैरुल्लाह से मंसूब है। अलबत्त अगर कोई शख्स ऐसे अकीदे से तायब होकर ज़िबह करता है फिर जानवर जो है हलाल होगा। तो नजर लिगैरिल्लाह तमाम अंबिया और मिल्लत हनीफिया के इमामों के नजदीक हराम है। वो जानते हैं कि ऐसी चीज में मानवी निजासत पैदा हो जाती है और ये किसी सूरत भी हलाल नहीं होती, बल्कि इसकी खबासत मर्दार की खबासत से भी बढ़ जाती है। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह दारुलूम देवबंद के सदर मुदर्रिस थे। 50 साल तक मदरसे में तालीम दी, अंग्रेजों के सख्त मुखालिफ थे। अंग्रेज ने आपको बगावत के इल्जाम में सजाए मौत देने का इरादा भी किया था लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया और तकरीबन जजीरे माल्टा में 4.5 साल तक कैद और बंद की सहूबतें बर्दाश्त करते रहे, और वहां पे ये कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर भी उन्होंने लिखा, तफसीर उस्मानी के नाम से जो मशहूर है। तो ये सारी तफसीर जो अभी आपको बताई ये हजरत ही के तफसीर से आपको बताई है। आगे जो है फमनिस्तुर गैर बागिन वला आद फइन्न रब्बका गफूरुर रहीम, इसके बारे में इंशाल्लाह कल गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।